वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारे पास जो मोबाइल है वो है आईटेल A49। प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये बैटरी स्टोर नहीं कर रहा। इसकी चार्जिंग बेस भी हमने 2 से 3 दफ़ा तब्दील की है लेकिन फिर भी ये बैटरी स्टोर नहीं कर रहा। सो हमने इस प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड किया है। सबसे पहले हमने मोबाइल को खोल लेना है। इसके ज़्यादातर स्क्रू मैंने उतार दिए हैं, सिर्फ 1 से 2 स्क्रू लगे हुए हैं, वो भी मैं उतार देता हूँ। मोबाइल को खोलने के बाद आपने इसके ये जो चार्जिंग कनेक्टर है इसको बाहर निकाल लेना है और ये जो मदरबोर्ड वाला सेक्शन है इसके ऊपर से भी ये जो कवर है ये भी उतार लेना है। सबसे पहले आपने इसके चार्जिंग कनेक्टर को चेक कर लेना है कि आपका जो ये जो चार्जिंग बेस है ये ठीक लगी हुई है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसको सबसे पहले हम चार्जिंग बे लगा के चेक कर लेते हैं। अपने मोबाइल को हमने कनेक्ट कर लिया है चार्जर के साथ। ये मैंने मल्टीमीटर आपके सामने रख दिया है। ये अब बैटरी कनेक्टर पे इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं कि ये रीडिंग कितनी दे रहा है। ये आप देख सकते हैं ये बैटरी कनेक्टर पे पूरी रीडिंग बिल्कुल नहीं दे रहा, इसी वजह से इसके चार्जिंग सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये पूरा करंट नहीं दे रहा। इसलिए हम सबसे पहले अपने चार्जिंग बेस है जो ये चार्जिंग कनेक्टर है इसको हम चेक कर लेते हैं कि इस पे ये करंट पूरा दे रहा है या नहीं। मल्टीमीटर को हमने वोल्ट पे सेट कर देना है और नेगेटिव को हमने ग्राउंड करके हमने चेक करना है ये वाला जो पॉइंट है कि इस पे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट पूरा 5 एम्पेयर तक दे रहा है, 5 वोल्ट तक ये करंट दे रहा है। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये ट्रांसफ़र कर रहा है ऊपर मदरबोर्ड पे ये वाले जो चार्जिंग का करंट या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर करंट नहीं पूरा पहुँचा रहा, इस वजह से हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। यानी कि ये जो स्ट्रिप है इसमें प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन यही है कि हम इसको बाहर से एक जम्पर की मदद से यहाँ से करंट यहाँ तक ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। यहाँ तक हम देख सकते हैं ये 5 वोल्ट्स पूरे दे रहा है, ये जो छोटा सा पॉइंट है ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा करंट दे रहा है। यहाँ से हमने जम्पर उठाना है और इसे ये जो LCD की स्ट्रिप है ये जो स्ट्रिप है इसके साथ ही ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्क्रैच करके यहाँ पे जम्पर कर देना है। अभी मैं जम्पर लगा के आपको चेक कराता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं।
जम्पर वायर की मदद से हमने इसे जम्पर कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जम्पर करके हमने इसे यहाँ पे लगा दिया है। ये जो LCD का कनेक्टर है इसके साथ ही यहाँ पे आपने थोड़ा सा क्रैच करना है और इसे यहाँ पे जम्पर कर देना है। ये भी हमने मोबाइल को चार्जिंग के साथ कनेक्ट कर दिए और ये देख सकते हैं आप कि ये 3 वोल्ट से ऊपर करंट दे रहा है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।